देख रहे हैं आईबीएन भारत, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं। अयोध्या और भगवान राम पर दिए बयान की वजह से ओली को अब हर जगह मुंह की ही खानी पड़ रही है। मगर वो कहते हैं ना कि चाहे कुछ हो, लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो अब क्या हरकत करी है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपाल के ठुरी गांव को भगवान राम की असल जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है। नेपाल का पुरातत्व विभाग बीरगंज के परसा जिले के ठोरी गांव में खुदाई करने पर भी विचार कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली ने कहा था कि हम आज तक समझते हैं कि हमारी सीता का विवाह भारतीय राम से हुआ था, जबकि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। नेपाल में विपक्ष के तमाम नेताओं ने ओली को बयान की आलोचना की थी। विपक्षी नेताओं ने इसे गैर जरूरी बयान करार दिया था और कहा था कि इससे भारत और नेपाल के संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। माय रिपब्लिक अखबार के अनुसार ओली के बयान के बाद नेपाली पुरातत्व विभाग ठोरी गांव में स्टडी को लेकर तमाम मंत्रालयों से संपर्क में है। पुरातत्व विभाग ने प्रवक्ता राम बहादुर कंवर के हवाले से अखबार में लिखा है कि विभाग वीरगंज के ठोरी में संभावित पुरातत्व अध्ययन की संभावना पर चर्चा के लिए कई मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल दामोदर गौतम ने कहा कि पीएम ओली के बयान के बाद पुरातत्व विभाग वहां शोध कराने को लेकर गंभीर है। गौतम ने आगे कहा कि विभाग विशेषज्ञों से बातचीत करेगा और इसे लेकर जल्द ही किसी नतीजे पर आएगा। हालांकि पुरातत्व विभाग के पास ठोरी में खुदाई के लिए कोई आधार नहीं है। गौतम ने कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद स्टडी कराएं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अयोध्या के नेपाल में होने की बात साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार है। ओली के बयान पर विवाद बढ़ने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ओली का बयान राजनीतिक नहीं था और किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मकसद नहीं था। स्पष्टीकरण में कहा गया था कि ओली के बयान के पीछे अयोध्या और उसके सांस्कृतिक महत्व को कम करने का कोई इरादा नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेपाली कांग्रेस ने बुधवार को अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विवादास्पद बयानों की कड़ी निंदा की और कहा कि उन्होंने देश पर शासन करने के लिए नैतिक और राजनीतिक आधार खो दिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार से जवाबदेही मांग की, जिससे ओली ने कहा था कि अयोध्या वीरगंज में है और राम का जन्म नेपाल में हुआ था। एक बयान में नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के बयान और बर्ताव से इत्तेफाक नहीं रखती। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली ने देश पर शासन करने के लिए नैतिक और राजनीतिक आधार खो दिया है। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान क्या सरकार का आधिकारिक बयान है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे कठिन वक्त में ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही और कामकाज में भारी अंतर है। ये सत्तारूढ़ पार्टी पर निर्भर करता है कि वो प्रधानमंत्री की सोच, काम करने का तरीका, भाव व कार्रवाई में बदलाव लाती है या प्रधानमंत्री बदल जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विरोध उनकी ही पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। भारत के खिलाफ उनका स्टैंड हो या उनके काम करने का तरीका, इसे लेकर उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। शर्मा ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ये भी भूल गए हैं कि संविधान और संवेदनशीलता के साथ सरकार चलाई जाती है। वो अपनी मर्जी से नेपाल की सरकार चला रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम ओली ऐसे बयान दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बात निश्चित है कि अपने बयानों को लेकर के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही सरकार में घिर गए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किस तरीके से अपनी साख बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन भारत। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।